हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर आप देखोगे कि कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हैं तो उनमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आज का क्लास है हमारा ग्राफ्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स यदि आपको कुछ बेसिक ग्राफ्स पता हो तो आप उसी के तरीके का बहुत सारा ग्राफ ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक तरीके से एक ट्रिक कह लीजिए जिसको यूज करते हुए आप क्वेश्चंस के अंदर या डायरेक्टली जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तब भी किसी ग्राफ को पहचानना है तो आप उसको पहचान सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्राफ्स। तो सबसे जो बेसिक बात है यहाँ पे ग्राफ्स को जानने से पहले, क्योंकि तो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, 2D प्लेन जिसको कहते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन, उसके अंदर हम ग्राफ्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने 9 या 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बहुत बेसिक चीजें गिवन है कि एक एक्स एक्सिस लीजिए और एक वाई एक्सिस लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ी सी जो है वो नॉलेज दे देता हूँ एक्स वाई प्लेन की। तो जैसे कि कोई भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो कहाँ प्लॉट करते हैं? एक एक्स एक्सिस, उसको हम एक्स एक्स डैश कहते हैं, और दूसरा लाइन जो होता है वो वाई वाई डैश, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, दैट इज ओ कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? 0, 0 होता है। अब जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा का पूरा प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1, 2, 3, 4। इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई भी जो पॉइंट है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप कहां से आइडेंटिफाई करते हो? ओरिजिन से आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर लाइंस की तरह समझिए इसको, ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। इधर -1, -2, -3 इक्वली डिवाइडेड रहता है ये, इसको 1 और 2 इस तरीके से, और बीच में जैसे यहाँ पे है तो 1/2, यहाँ जैसे है तो ये कितना हो गया आपका 1.5 है, दैट इज 3/2, सिमिलरली दिस इज 2.5। तो ग्राफ पेपर में आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से गिवन रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं ये आपका हो गया 1, 2, 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, -1, -2, -3। एक्स एक्सिस में जो है वो ये डिस्टेंस कितना है? 1 है, और वाई हाइट इसकी कितनी है? 0। लाइक ओरिजिन से ये कितना ऊंचा है? 0 ही है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? 1, 0। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है वो जैसे यहाँ से कितना दूर है? 2 डिस्टेंस दूर है, और वाई एक्सिस में इसका हाइट कितना है? 0, तो दैट इज 2, 0। तो एक्स एक्सिस में इसी तरीके से पॉइंट होता है -1, 0। तो एक्स एक्सिस के जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनका आप देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है? 0 रहता है। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का यदि मैं पूछूं कि ये एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है इधर की तरफ, तो आप कहोगे कि इसके जस्ट ऊपर ही है, मतलब इससे जो डिस्टेंस है वो तो 0 ही है, और वाई दैट मींस ये हाइट कितना है? 1, तो इट इज 0.01। ये इसी तरीके से ये 0.2, ये 0.3 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि सर सपोज कोई पॉइंट है 2.3, वो कहाँ होगा एक्स वाई प्लेन में? 2.3 पॉइंट कहाँ पे होगा? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ओरिजिन से ही हम 2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जाएंगे इधर की तरफ, ये 2 मिल गया हमें,
और वर्टिकली यहीं से थ्री पे जाएंगे हम। तो थ्री कहाँ है, ये है ग्राफ थ्री का, तो टू के जस्ट ऊपर जो है और यहाँ थ्री के जस्ट सामने देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो पॉइंट है सपोज दैट पी, इसको हम टू कॉमा थ्री कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, प्लस प्लस। एक्स कोऑर्डिनेट भी तो पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को इन जनरल जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, एफ सीसा बोलते हैं, एफ सीसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। ये चीजें जो है वो हमें याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एफ सीसा एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अब बात आती है कि यदि कोई पॉइंट इधर की तरफ हो, ओरिजिन के जैसे राइट साइड में वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इस तरीके से दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। इधर आप देखोगे तो एक्स निगेटिव है, इसको हम निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन के इस साइड वाले जो लाइन जा रहा है ना, उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, निगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से इसको कहा जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको कहा जाता है निगेटिव वाई एक्सिस। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब यदि मान लीजिए मुझे माइनस टू कॉमा टू एक पॉइंट ढूंढना है, तो माइनस टू कॉमा टू कैसे जाओगे, तो एक्स में पहले माइनस में जाओगे, तो ये माइनस टू है यहाँ पे देखो, ये वन बोल माइनस वन, ये माइनस टू और कॉमा टू, तो वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में टू हाइट पे जाना है, तो आपको जस्ट ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड टू कॉमा माइनस टू कॉमा टू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इधर की तरफ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब इसमें क्या होता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में रहता है। सिमिलरली इसी तरीके से आपको हर एक के अंदर आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज माइनस थ्री कॉमा माइनस वन फाइंड आउट करना है, तो जैसे ये माइनस थ्री पॉइंट है और माइनस वन कहाँ पे होगा, तो माइनस वन जैसे ये है, तो माइनस थ्री जस्ट नीचे जाएगी कितना दूर, वन नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो माइनस थ्री माइनस वन कहलाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, निगेटिव है, क्योंकि तो हम निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस में देख रहे हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, निगेटिव है। तो हम माइनस फाइव ढूंढना है, तो कहाँ होगा, वो इस क्वाड्रेंट में होगा, टू तो इधर की तरफ और माइनस फाइव, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ओके, तो टू कॉमा माइनस फाइव इज दिस पॉइंट, टू कॉमा माइनस फाइव एंड दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव y नेगेटिव रहता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी जो लीनियर फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्यूबिक फंक्शन है उनका ग्राफ कैसा होता है, और भी ऐसे बहुत सारे y और x में जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसका यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप कैसे करोगे। जैसे y इक्वल टू x हो गया, उसका ग्राफ कैसा होगा। जैसे हम जानते हैं कि यदि मैं लिख दूँ एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसको आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लेकिन वहीं पे x और y में कोई एक रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू x, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो ग्राफ में जहाँ तक बात है, तो आप सब लोगों ने लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये सब क्लास 9 के अंदर या 10 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसमें जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, और मैं बोलता हूँ कि इसका ग्राफ बनाइए, है ना, क्या बोलता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको सब सारी वैल्यूज आपको देखनी है कि जीरो पे वैल्यू कितनी होगी, वन पे वैल्यू कितनी होगी, दो पॉइंट कम से कम आप देखते हैं और फिर उसको जो है वो मिला देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ बनाते आए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग इस ग्राफ को बिना कुछ नंबर निकाले हुए और डायरेक्टली प्लॉट कर दें,
तो आज का जो डिस्कशन है हमारे क्लास का वो यही है कि हम इस तरीके के जो फंक्शंस हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया या y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 1 हो गया, इसको रफली, ग्राफ पेपर पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, रफली एक स्केच कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्लास 11 में आते हैं तो इन जनरल इनके रफ स्केच की जरूरत होती है। पूरा एग्जैक्ट आप ग्राफ उसका प्लॉट करो ना करो, लेकिन आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, सेफ एंड उसको आप प्लॉट कर सके डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केच करके विदाउट एनी ग्राफ पेपर। तो आज का डिस्कशन हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम सबसे बेसिक जो ग्राफ है उससे करेंगे कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग हम लोग ग्राफ करेंगे y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं, और दूसरा जो ग्राफ मैं बताने वाला हूं दैट इज y इक्वल टू माइनस x का। मैं सबसे पहले प्लॉट करूंगा किसका, y इक्वल टू x का ग्राफ, और फिर मैं प्लॉट करूंगा y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ, और उसी में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि मैं y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू हाफ x, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इन सब के ग्राफ कैसे डायरेक्टली आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस में, तो x एक्सिस होता है यहाँ पे हम लोग x की वैल्यूज रखते हैं, मतलब जो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे उसको हम x एक्सिस पे रखेंगे, और y में की जो वैल्यू जो हम होगी वो y एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, तो x हमारा कहाँ होता है, x एक्सिस पे, और y कहाँ लेते हैं हम लोग, y एक्सिस पे। तो इन जनरल यदि आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम एक तरीका है हमारे पास, जैसे x और y, x की वैल्यू जीरो यदि रखेंगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि y x के ही बराबर है। x यदि 1 लेंगे तो y कितना आएगा, 1 ही आएगा। x 2 लेंगे तो y कितना आएगा, 2 ही आएगा। x यदि माइनस 1 लेंगे तो y भी कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे इसी को मैं प्लॉट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे x 0 देन y 0, ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0, इसको जिसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं x यदि 1 है, ठीक है, मान लीजिए इसको 1 कह रहा हूँ, तो y भी कितना है, 1 है। यदि मैं 1 लिख लेता हूँ तो x 1 है तो y 1 है, दैट मीन 1 पे 1 वैल्यू आ रही है, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। सिमिलरली x यदि 2 है तो y कितना है, 2 है, तो 2 के जस्ट सामने जाइए इधर और यहाँ पे इसको डॉट ले लीजिए। अब देखिए x यदि माइनस 1 लिया है मैंने तो y भी कितना है, माइनस 1, तो कहाँ होगा वो, यहाँ। ठीक है, अब बात क्या है ना कि y इक्वल टू x जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हर एक रियल नंबर x की हर रियल वैल्यूज के लिए बात कर रहे होते हैं। वैसे तो हम लोग सिर्फ 2-3 पॉइंट ही लेते हैं ग्राफ को समझने के लिए, हम 2-3 पॉइंट पे ही निकाल सकते हैं क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है। बहुत सारा अलग अलग पॉइंट्स पे यदि हम वैल्यूज निकालने लग जाएंगे तो पूरा टाइम तो उसी में चला जाएगा, तो मतलब हर पॉइंट्स पे तो हमको नहीं देखना है, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 और 3 पॉइंट्स पे, मिनिमम जो है वो 2 पॉइंट्स पे आपको देखना है। ठीक है ना, और सिर्फ 2 पॉइंट पे ही आप देखेंगे हमेशा, और क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये लीनियर, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, उसका रीजन भी यही है कि ये जो इस तरीके के जो इस तरीके का जो आप फंक्शन देखते हो उसका जो ग्राफ होता है वो एक लाइन होता है, इसलिए इसको लीनियर फंक्शन भी कहा जाता है, और इसलिए इसका हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है ना, जैसे इस तरीके से इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो आप देखोगे कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू x का ग्राफ है ये, और ये आप ध्यान दे रहे होगे कि ये x एक्सिस और y एक्सिस के मिड से जा रहा है, बीच से जा रहा है, मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये बीच से यहाँ से पास कर जाता है। तो y इक्वल टू x लाइन आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, अब मैं दूसरा यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कैसा होता है। y इक्वल टू x का तो आप सब लोग देख ही रहे हो, y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ, तो यहाँ पे फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ले लेते हैं, x एक्सिस
वाई एक्सिस और हमारा दो पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई पे जीरो है और वन पे माइनस वन आएगा। एक्स यदि वन होगा तो वाई कितना होगा, माइनस वन। सिर्फ दो पॉइंट पे ही आप देखने से हो जाएगा। अब एक्स जीरो पे वाई जीरो तो ऑरिजिन ही है, और एक्स यदि वन लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। एक और पॉइंट मैं आपको जानकारी दे दूँ, वैसे तो अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे लाइन बनेगा ही, तो किस तरीके से आपका ये लाइन बनने वाला है वो मैं बता देता हूँ। ये जो लाइन है उसको हम वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कहेंगे। तो जब यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वन, तो मतलब पॉजिटिव नंबर यदि मल्टीप्लाई होगा तो लाइन कैसे होगा, राइट साइड इंक्लिनेटेड होगा ऐसे, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस के तरफ ऐसे रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक। और जब एक्स के साथ निगेटिव नंबर, जैसे यहाँ माइनस वन मल्टीप्लाई है, तो लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो लाइन की पोजिशनिंग दो ही तरीके से हो सकती है, या तो लाइन इस तरीके से रहने वाला है या तो लाइन इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, जैसे इसमें है ऐसा, ठीक। तो अब इन्हीं में ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लाइन कैसे प्लॉट करते हैं इसको सीखने वाले हैं। तो आप देख रहे हो वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये दोनों का आपने समझ लिया। सिर्फ यही दो जो है वो आपको याद रखना है, बाकी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इन्हीं को कैसे मैं वाई इक्वल टू टू एक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लॉट कर दूंगा, उसी को आज आपके को समझना है इस क्लास में, ठीक। तो यहाँ देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना y इक्वल टू टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। y इक्वल टू एक्स का तो ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू टू एक्स लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको जो है वो बिना इस y इक्वल टू एक्स के लिए मैंने जैसे जीरो जीरो वन वन टू टू ऐसे वैल्यू पुट करके किया है, y इक्वल टू टू एक्स के लिए या y इक्वल टू थ्री एक्स के लिए या y इक्वल टू वन बाई टू एक्स के लिए ये आपको ना करना पड़े, आप डायरेक्टली कर सकें। उसके लिए y इक्वल टू एक्स का आप ध्यान रखिए कि बीच से जाता है ना, x एक्सिस और y एक्सिस के मिड से ये पास होता है। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अब इसके लिए क्या होगा कि x जब जीरो है तो y जीरो रहेगा, ये बात तो समझ में आ रही है। x जीरो है तो y भी जीरो होगा, क्योंकि x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू टू इंटू जीरो, तो ये तो रहेगा ही, मतलब ओरिजिन से तो पास करने वाला ही लाइन है ये। लेकिन यदि मैं x का वैल्यू वन पुट करूंगा ना, तो इस बार y की वैल्यू टू हो जाएगी, क्योंकि x इज वन, तो x इज वन देन y इक्वल टू टू इंटू वन, बट x इज टू देन y इज फोर, एंड x इज माइनस वन देन y इज माइनस टू, आपको ये दिख रहा होगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, अब इनको एक बार को प्लॉट करके देखता हूँ। तो जीरो पे तो जीरो ही है, तो ये पॉइंट तो उनको दिख ही रहा है, बट वन पे वैल्यू कितनी है, इस बार टू है, मतलब ये यहाँ चला जाएगा। वन पे कहाँ आ जाएगा, टू पे, टू पे कहाँ चला जाएगा, फोर पे, जस्ट टू के जस्ट ऊपर, यहाँ पे समझ रहे हैं, टू के जस्ट ऊपर ये फोर है मान लीजिए। माइनस वन पे कहाँ होगा वैल्यू, माइनस टू पे, माइनस वन माइनस टू। अब ये जो तीन पॉइंट है इनको मिला देते हैं, ठीक, पूरा अच्छे से मिला देते हैं। तीन चार जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे एक दो तीन चार मिले, जैसे तो दो से कुछ से भी समझ में आ जाता। तो ये भी लाइन क्या है, ओरिजिन से पास करने वाला है, लेकिन आप देखिए जैसे ही मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ ये लाइन, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कम पुट करने से ही ये दुगना वैल्यू दे रहा है, तो वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा थोड़ा टिल्ट हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये जो लाइन है वो क्या है, वाई इक्वल टू टू एक्स का लाइन है। सिमिलरली इसी सेम ग्राफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यदि मुझे वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स, वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स का ग्राफ बनाना होगा, तो इस बार भी मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से वैल्यू जो है वो इसके चेक करूंगा। तो जीरो पे जीरो आएगा, इस बार वन पुट करने से हाफ आएगा और टू पुट करने से वन आएगा, ठीक है ना, आधा आएगा। y कितना है, जितना भी x का वैल्यू है उसका हाफ है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जीरो पे तो जीरो ही रहने वाला है, बट वन पे कितनी वैल्यू है, इसको वन कह रहे हैं हम लोग, तो x की वैल्यू जब वन लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, वन बाई टू, तो इसके बीच में, ठीक है। जब मैं टू लूंगा तब वैल्यू कितना होगा, वन, टू पे वन है। सिमिलरली यदि आप माइनस वन रखोगे तो माइनस हाफ, माइनस वन पे कितना वैल्यू आएगा, माइनस हाफ। तो आप देखोगे कि इस तरीके से एक लाइन जो है वो आपका बनेगा, जिसको हम कहेंगे वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स।
यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आ जाता है कि यदि हम y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ पता है हमें, तो यदि हम चाहें तो किसी किसी ऐसे फंक्शन का ग्राफ, लीनियर फंक्शन का ग्राफ जिसमें x के साथ 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है 1, तो 1 से बड़ा नंबर या तो 2 या तो 3 या तो 4, तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ क्या होगा, थोड़ा और ठीक है, y इक्वल टू 3x क्या होगा, थोड़ा और जो है वो इसके नजदीक आ जाएगा, वाई 4x और नजदीक, 5x और नजदीक, मतलब जितना जितना आप बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते जाते हो तो उतनी जो है वो 1 के लिए वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट करने से y वैल्यू ज्यादा आएगी उस पर। जैसे मान लीजिए मैं y इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो 1 पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, तो वो बहुत ही y एक्सिस के क्या होगा, थोड़ा और नजदीक हो जाएगा। तो y इक्वल टू x का ग्राफ और y इक्वल टू 2x का ग्राफ आप समझ रहे हो ना, जैसे ही 1 से बड़ा नंबर आप कोई भी मल्टीप्लाई करते हो x में, तो वो y इक्वल टू x के इधर साइड में, लेफ्ट साइड में बनेगा, और y x के साथ यदि 1 से छोटा नंबर कोई मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/2, 1/3, तो जैसे मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो ये है, यदि मैं 1/3 मल्टीप्लाई करूंगा y इक्वल टू 3x, 1/3x, तो ये और नीचे आ जाएगा, क्योंकि तो इसमें वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू के लिए जैसे यहाँ पे 1 पे 1/2 आ रहा है y का वैल्यू, यदि 1/3x होता तो x की वैल्यू 1 के लिए 1/3 आता, तो और नीचे आता, तो इधर से ये ऐसे पास होगा, जैसे y इक्वल टू 1/3x यदि मुझे बनाना हो तो मैं इस तरीके से बताऊंगा y इक्वल टू 1/3x, यदि मुझे बोला जाएगा y इक्वल टू 4x कैसे होगा, तो मैं डायरेक्टली देखिए यहाँ से और जो है इससे भी इधर की तरफ और इससे इधर की तरफ y इक्वल टू 4x ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये सब जो है वो एक तरीके से हम समझ गए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होते हुए जो भी नंबर मल्टीप्लाई आएगा उसके तरीके से हम उसको प्लॉट कर लेंगे। सिमिलरली सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। यदि मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ पता है, ठीक है ना, पता है आपको इसको, इसको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना, इसमें ये नहीं बोलेंगे कि हम इसको याद नहीं रखेंगे, याद रखेंगे इसको, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या करेंगे हम, याद रखेंगे। अब मुझे किसका प्लॉट करना है, मुझे प्लॉट करना है y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे तो y अभी भी 0 ही रहने वाला है, बट x इक्वल टू 1 पे y कितना हो जाएगा, माइनस 2, और x इक्वल टू माइनस 1 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 2। अब देख लीजिएगा प्रूव करके, है ना, तो यहाँ पे देखिए आप क्या होने वाला है, x 0 0 ये तो पॉइंट इसमें भी सेम है, कॉमन की है, 1 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, माइनस 2, माइनस 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 2। तो अब जो ग्राफ मैं प्लॉट करने वाला हूं वो आपको दिखेगा कैसा, इस तरीके, समझ रहे हैं बात, वो क्या हुआ y एक्सिस से, क्योंकि हाइट एक्चुअली माइनस, आपने क्या किया y इक्वल टू माइनस x बनाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की जो वैल्यू आप पुट करोगे अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस के नजदीक होता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी ना, जैसे मैं यहाँ पे 3x कर देता, माइनस 3x, तो माइनस 1 पे वैल्यू कितनी होती, 3, और इधर की तरफ जाता रहेगा। तो आपको ऐसे समझना है कि जब आप y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आपको यदि ये वाला है, तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू माइनस 2x। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए भी इसी पे सेम ग्राफ पेपर पे मैं ग्राफ में इसको भी बना रहा हूँ, 0 पे 0, 1 पे कितना होगा, x से भी 1 होगा तो माइनस हाफ, और x से भी माइनस 1 होगा तो प्लस हाफ। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट तो सेम ही है, बट 1 पे माइनस हाफ आ रहा है, तो माइनस हाफ यहाँ होगा, y एक्सिस में है ना, तो माइनस हाफ ये रहा, ठीक, और x से भी माइनस 1 है तो y कितना है, 1/2, तो ये तो 1 है, ये होगा 1/2, ऐसे इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये तो ग्राफ बनेगा, दैट इज y इक्वल टू, दिस इज y इक्वल टू माइनस हाफ। यही सेम डिस्कशन, ग्राफ का जो डिस्कशन है इसको मैं इस तरीके से भी करूंगा कि जैसे देखिए y इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, यदि मुझे y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ पता है तो y इक्वल टू x प्लस 3 कैसे प्लॉट होगा, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो y इक्वल टू x का ग्राफ पहले आप यदि जानते हैं
तो थोड़ा देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि हमें एक ही ग्राफ सिर्फ मालूम है, जैसे ये y इक्वल टू x लाइन, मुझे पता है कि ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, लेकिन मुझे किसका प्लॉट करना है, y इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट करना है, तो क्या मैं प्लॉट कर सकता हूँ? तो इस बार यदि आप ध्यान से देखेंगे तो y इक्वल टू x में क्या होता था कि जैसे आप इसके अंदर x और y में x जीरो y जीरो x वन देन y वन इस वाले के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप x की वैल्यू जीरो लेंगे तो y तो जीरो नहीं आएगा ना, कितना आएगा इस बार y 3 आएगा, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यूज हम ले रहे थे x की उसी के बराबर आ रहा था यहाँ पे, लेकिन अब क्या हुआ 3 ज्यादा आ रहा है उससे, क्योंकि हमने क्या किया ना हर एक में हर एक x के साथ 3 ऐड कर दिया है, तो 0 तो y 3, 1 तो 4, तो क्या होने वाला है 0 पे पहले 0 था, अब 0 पे इसके लिए भी बात करेंगे तो 3 आएगा यहाँ वैल्यू आएगी। सिमिलरली 1 के लिए 1 आ रहा था, लेकिन अब इस ग्राफ में 1 के लिए कितना आएगा, जस्ट 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्लॉट करते हो ना तो आपको एक चीज समझ में आता है कि इसका मतलब यह हो गया कि अब जो ग्राफ y इक्वल टू x प्लस 3 का होगा वो इसी के पैरेलल बनाना है, लेकिन इससे इससे कितना ऊंचा, 3 ज्यादा, समझ गए बात। तो y इक्वल टू x लाइन को ऊपर की तरफ यदि हम 3 से शिफ्ट कर दें, समझ रहे हैं बात, किसने से शिफ्ट कर दें, 3 से शिफ्ट कर दें, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो किसका होगा, y इक्वल टू x प्लस 3 का होगा, यहाँ पे प्लस में 3 है इसीलिए ये 3 से पास हो रहा है, यदि y इक्वल टू x प्लस 1 होगा तो यहाँ से पास होगा, ये जैसे 1 रहा ना तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x प्लस 1, जैसे मुझे y इक्वल टू x प्लस 2 बनाना है तो ये रहा y इक्वल टू x प्लस 2, यदि मुझे y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है तो ओरिजिन ये रहा उससे 1 नीचे माइनस 1, इसी सब के पैरल है ना, इसी के पैरल आपको प्लॉट कर देना है, ये क्या ग्राफ है y इक्वल टू x माइनस 1। तो यहां से एक बात बहुत क्लियर हो गई है कि यदि हमें y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ याद है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से 40 ओरिजिन से पास करने वाला और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच से जाने वाली लाइन को हम y इक्वल टू x लाइन प्लॉट किया था हमने, तो y इक्वल टू x प्लस 3 या y इक्वल टू x प्लस 1 क्या होगा, इसी को y इक्वल टू x प्लस 1 में ये 1 ऊपर, इसी को क्या करना है, इसी लाइन को 1 ऊंचा कर देना है, ठीक है ना, और y इक्वल टू x माइनस 1 क्या होगा, 1 नीचे कर देना है। तो यदि आप पॉजिटिव नंबर ऐड देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस 3 रहेगा तब तो आप उसको उतने से ही ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक, और यदि माइनस में कोई नंबर है तो उतना ही उसको नीचे शिफ्ट कर देना है, जैसे माइनस 1 है तो माइनस नीचे शिफ्ट कर देना है। अब आप कहोगे सर इसका तो ठीक था, लेकिन क्या मैं इसी तरीके से y इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन को प्लॉट कर सकता हूँ? तो जैसे मैंने आपको बताया कि y इक्वल टू x तो बीच से जाता है, बट y इक्वल टू 2x बीच से नहीं जाता है, थोड़ा सा क्या होता है वो y एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता है, ठीक है ना, इधर की तरफ रहता है। तो जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, है ना, और मैं बता रहा हूँ कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बिना कुछ किए हुए, बिना कोई वैल्यूज पुट किए हुए कैसे प्लॉट किया जाए, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में आपको मैंने पहले ही बताया कि y इक्वल टू 2x जो बीच से नहीं जाएगा, थोड़ा किधर रहेगा, y एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ये y इक्वल टू क्या है, 2x लाइन है, क्योंकि ये बीच से y इक्वल टू x जाता है तो थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड कर देंगे, तो मान लीजिए y इक्वल टू 2x है। अब क्या हुआ है कि हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ। तो ये यही ग्राफ इसी पूरे लाइन को क्या करना है, 3 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो ये जैसे ओरिजिन है, जैसे मान लीजिए 1 ये 2 ये 3 है ना, यहां से इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है ना, समझ रहे, इसी के पैरेलल, सेम पैरेलल टू दिस लाइन, कुछ नहीं कर रहा हूं, इसी लाइन के पैरेलल, समझ रहे हैं बात, ये y इक्वल टू 2x जैसे है
इसी के एक पैरेलल जो है वो हमने एक लाइन खींच दिया जो कि अब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, थ्री पे। वैसे भी आप यदि एक्स इक्वल टू जीरो पे देखोगे ना तो ये वाई की वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी। लेकिन डायरेक्टली आप ग्राफ कैसे प्लॉट करिए, इससे इसी लाइन को क्या किया आपने, थ्री ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है। उसी तरीके से y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन का ग्राफ यदि आपको प्लॉट करना है तो आपको क्या करना होगा, y इक्वल टू टू एक्स लाइन को क्या करना होगा बताइए, वन नीचे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ये रहा आपका, मान लीजिए माइनस वन पॉइंट है, ओरिजिन है ना ये, इससे वन नीचे, और यहां से क्या करना है, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना है। समझ गए बात? इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये जो लाइन होगा उसको हम कहेंगे y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। सिमिलरली आप कोई भी जो है ना उसका एक रफ फिगर, रफ फिगर की बात हो रही है यहाँ पे, रफली उसको स्केच कर सकते हैं, या आप क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम लोग यही सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बहुत आसानी से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं यदि हमें कुछ बेसिक y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ यदि आप अच्छे से बना लेते हो तो बाकी को तो हम उसी दोनों के बेस पे क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या, किसको कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जैसे y इक्वल टू वन बाई टू एक्स का हमने देखा कि वो थोड़ा क्या रहता है, x एक्सिस की तरफ इंक्लाइन रहता है, इधर नीचे की तरफ। तो यदि मुझे मान लीजिए y इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, y इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वन। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी यहाँ पे x के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्राफ जो लाइन है ना वो इधर ऐसे है, मतलब इस तरीके से है, ऐसे मतलब ऐसे इधर की तरफ है, और जैसे ही इधर माइनस लगा होगा तो लाइन ऐसे है। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे y इक्वल टू हाफ एक्स है, तो y इक्वल टू हाफ एक्स जैसे मैंने आपको बताया था, y इक्वल टू एक्स को बीच से जाता है, ये हाफ एक्स जो होगा उसका रफली एक फिगर जो है वो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, दिस इज y इक्वल टू हाफ एक्स, वन बाई थ्री एक्स होगा तो थोड़ा और नीचे होगा, इस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया है। अब मैं कहूंगा कि ये यदि प्लस वन है ना यहाँ पे, या प्लस के बाद कोई भी नंबर हो तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप उसको कैसे करोगे, वन ऊपर से करोगे, कितना है प्लस में, ये वन प्लस वन है तो वन ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये वन रहे मान लीजिए, यहां से इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देना है। क्या करना है यहाँ पे, इसी के पैरेलल एक जो लाइन है वो आपको ड्रॉ कर देना है, इसी लाइन के पैरेलल, मैंने कहते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, वाई इक्वल टू हाफ एक्स माइनस वन प्लस वन। फिर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और कि वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना, मान लीजिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, आपको पता होना चाहिए जी, y इक्वल टू माइनस एक्स जो होता है वो ऐसा रहता है, क्या होता है वो इधर की तरफ ऐसे जाता है, ठीक। अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। तो ओरिजिन से क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, वन टू थ्री तीन ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट है, इससे पास करने वाला इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से यदि मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री का ग्राफ प्लॉट करना है तो थ्री नीचे जो है वो एक पॉइंट है माइनस थ्री, वहां से इसी लाइन के पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। तो वो कितना हो जाएगा, जैसे ये है वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लाइंस को जो है वो प्लॉट कर रहे हैं। सिमिलरली मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए मुझे वाई इक्वल टू
-2x + 1 का ग्राफ बनाना है तो बहुत आसानी से प्लॉट हो जाएगा यदि आप y इक्वल टू -2x प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी जो क्लासेस के अंदर ही डिस्कस हुआ है कि y इक्वल टू -x को 20 से जाता है, लेकिन y इक्वल टू -2x का थोड़ा सा क्या होगा, ये इधर की तरफ इंक्लाइन रहता है, मतलब y एक्सिस की तरफ। y इक्वल टू x को 20 से जाता है, ये रहा आपका y इक्वल टू -2x। रफली बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे, रफली आपको कैसे आइडिया लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू -2x से y इक्वल टू -2x + 1 क्या होगा, जस्ट ओरिजिन से 1 ऊपर इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसको हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू -2x + 1। जितना भी एड रहेगा उतना ऊपर चला जाएगा। और यदि मान लीजिए आपने इसको 1, 2, 3 नीचे से इसी के लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दिया तो वो कितना नीचे, वो इस लाइन से 3 नीचे है, 3 नंबर नीचे है, 1, 2 और 3, मतलब माइनस 3 से पास हो रहा है, ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x - 3। तो ये तरीका है लाइन के ग्राफ्स को प्लॉट करने का। और ये तरीका सिर्फ लाइन के ग्राफ को प्लॉट करने का नहीं है, यदि आप देखोगे तो दिस इज द मेथड टू ट्रांसफॉर्म एनी टाइप ऑफ ग्राफ। जैसे मैं x² y = x² एक पैराबोला होता है, उसका ग्राफ यदि प्लॉट करना जानता हूँ तो y = 2x² का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, y = 2x² + 4 का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली इसी तरीके से जो उन्हीं x² के अंदर जो हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई या ऐड करते हुए जब लिखते हैं तो उस तरीके के ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी डाउट होने से इस चैप्टर में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बहुत ही आसानी से, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।